हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज के शो की शुरुआत रेहा रिप्ले के सेगमेंट से होती है। वो आगे कहती है कि वेलकम टू मंडे नाइट मामी। बैशन बर्लिन में मैंने और मेरे टेरर ट्विन पार्टनर डेमिन प्रीस ने लिव मॉर्गन और जेब कतरा यानी कि डोमिनिक मिस्ट्रियो को हरा दिया। हालांकि हमारी जजमेंट डे को तबाह करने की अभी जो चाह है वो खत्म नहीं हुई है, इसकी तो अभी शुरुआत हुई है। मैं वो एक चीज हासिल करना चाहती हूँ जो मैं कभी नहीं हारी हूँ, तो लिव मॉर्गन। तभी यहाँ डोमिनिक मिस्ट्रियो आके इंटरप्ट करता है, जेब कतरा आके बोलने की कोशिश करता है बट क्राउड उसको बोलने ही नहीं देता है। रिया रिप्ले कहती है कि कोई भी तेरी बात सुनना नहीं चाहता, तू यहां से वापस चला जा और अपनी लिटिल गर्लफ्रेंड को लेकर आ। डोमिनिक मिस्ट्रियो कहते हैं कि तूने जो लिव मॉर्गन के साथ बैशन बर्लिन में किया उसके बाद वो ठीक हो रही है, रिकवर हो रही है। तुमने और प्रीस्ट ने मेरा और लिव मॉर्गन का फायदा उठाया है। मैं तुझको यहां बताने ये आया हूं कि लिव तेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी। अभी वो थोड़ी इंजर्ड है और वो तुमसे नहीं डरती है। उसने तुझे पहले भी हराया और फिर से हराएगी। जब मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतूंगा तो हम दोनों के पास गोल्ड होगा। रिया रिप्लाई कहती है तू बेवकूफ है डोमिनिक, अगर लिव मॉर्गन यहां नहीं आना चाहती तो मैं तुझे बता दूं और उसको जाके मैसेज दे दे कि मैं उससे कहीं भी और कभी भी लड़ने के लिए तैयार हूं। तभी यहां लिव मॉर्गन ने पीछे से आके रिया रिप्लाई पर अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन रिया रिप्लाई ने एल्बो से मॉर्गन को गिराया और इसके बाद डोमिनिक मिस्ट्रियो भागने लगा तो रिया रिप्लाई ने उसको पकड़ा। हालांकि लिव मॉर्गन ने पीछे से रिया रिप्लाई पर अटैक करा और अटैक करते ही रिया रिप्लाई का पैर फंस गया रोप में और उसके बाद मॉर्गन ने रिया रिप्लाई को बुरी तरीके से कूटा। तभी यहां डेमिन प्रीस की एंट्री हुई और मॉर्गन और डोमिनिक मिस्ट्रियो वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद डेमिन प्रीस ने रिया रिप्लाई का हालचाल लिया। अब आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें बिना मत जाइएगा, और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मानता हूं मैं रेगुलर नहीं हूं पिछले कुछ टाइम से चैनल पे, क्योंकि चैनल की जो कंडीशन है ना वो अब तोड़ रही है मुझे। अगर आप लाइक कमेंट करेंगे तो थोड़ा मुझे दम मिलेगी। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें अल्फा अकेडमी वर्सेज अमेरिकन मेड के बीच 6-person मिक्स टैग टीम मैच दिखता है। बैल बजते ही दोनों टीम भिड़ जाती हैं। क्रीड ब्रदर्स और अकीरा को फंसा लेते हैं और मार देते हैं। अकीरा अब टैग ओटिस को देते हैं, वो आके खर्चा देते हैं। मैक्सिन और आईवी नाइल भी भिड़ती हुई दिखाई दी। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। चैट गेबल ने भी रिंग के बाहर से इंटरप्ट करा। अब एंड में अकीरा ने क्रीड ब्रदर्स में मार दी और एक पे डाइव लगाई, दूसरे पे पकड़ के रिंग के बाहर उन्होंने सुप्लेक्स दी। ओटिस को रिंग के बाहर करा और फिर गेबल ने इंटरप्ट करा। आईवी नाइल ने मैक्सिन पे ड्रैगन स्लीपर होल्ड लगा के टैप आउट करा के मैच जीत लिया। इसके बाद चैट गेबल माइक लेते हैं और कहते हैं ग्रेटेस्ट फैमिली की यहाँ जीत हुई है, वाइट सिक्स बकवास है। मेरा और अंकल हाउडी का मैच हुआ था जिसमें वाइट सिक्स ने इंटरप्ट कर करके चीज़ें खराब कर दी। हालांकि गेबल को ही नहीं पता कि पहले क्रीड ब्रदर्स ने इंटरप्शन करा था। हालांकि अंकल हाउडी, मैं तेरे लिए एक चैलेंज लेकर आया हूँ। नेक्स्ट वीक हमारे बीच 8-man टैग टीम मैच होगा। यह कोई नॉर्मल मैच नहीं होने वाला है, हमारे बीच ये स्ट्रीट फाइट मैच होगा जिसके बाद हम वाइट सिक्स को WWE से नहीं अमेरिका से भी ख़त्म कर देंगे। तभी अंकल हाउडी की एंट्री होती है। वो बोलते हैं 370 days से मैं परेशान हूँ और साइलेंट हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर तूने यह रास्ता चुना है तो फिर हम तैयार हैं, हम भी वही रास्ता चुनते हैं जो तूने चुना है। अब आप सभी को बता दूं, WWE ने अभी तक रिवील नहीं करा है अंकल हाउडी कौन है, लेकिन हाँ आज प्रोमो देते हुए अंकल हाउडी की आवाज़ से क्लियर पता चल रहा है कि ये बॉर्डरलेस है। इससे अच्छा होता कि WWE यहाँ पे कोई डिस्टर्ब वॉइस या किसी और से वॉइस ओवर करा के इस सेगमेंट को कराती। अब हमें शायना बेजर वर्सेस जेलिना वेगा के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड जो स्टार को सोनिया डेविल भी थी। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच जिसे शायना बेजलर ने जीत लिया। मैच के बाद वेगा पर ये तीनों मिलकर अटैक करती हैं। तभी लायरा वाल्क्रिया आके जेलिना वेगा को सेव करने आती हैं। हालांकि नंबर्स गेम में वो भी फंस जाती हैं, फिर दोनों में मार पड़ती है। अब हमें सीएम पंक का सेगमेंट दिखाई दिया। सीएम पंक आके बोलते हैं कभी भी मैं थकता नहीं हूँ, ये सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं डेनवर में हूँ, जिंदा हूँ। चलिए सुनते हैं एक बार और आपसे, जश्न मना रहे हैं, मैं बहुत घर जाने के लिए खुश हूं अपनी बीवी और डॉग से मिलने के लिए, बट उससे पहले मैं आपके साथ जश्न मनाना चाहता हूं। किस किस ने बैशन बर्लिन देखा, स्ट्रैप मैच काफी टफ होते हैं जिसमें से एक मेरा भी था, बट दूसरी साइड पे जिंदा रहना जरूरी होता है, कोई इशू नहीं है, पर्सनल चीजें बाहर हो चुकी हैं। अब टाइटल की बात कर लेते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। मैं हूं बिजनेसमैन। मैं जब WWE में आया तब मैंने कहा था और ये क्लियर कर दिया था कि मैं यहां दोस्त बनाने नहीं आया, पैसा बनाने आया हूं। वो पैसा मुझे कैसे भी मिला, कैश मिले, प्यार के थ्रू मिले। 1996 नहीं है ये, 2024 है। ये हर तरीके से पेमेंट होता है आज की डेट में। बैशन बर्लिन में एक इंसान और था जिसने काफी मेहनत की थी, मुश्किल टाइम में निकल के आया। मैं बात कर रहा हूं गंथर की। गंथर रैंडी ऑर्टन को उसकी लिमिट तक लेके गया। गंथर तू भी चैंपियन है, कुछ नहीं बस मुझे टाइटल की उम्मीद है। ड्रू मैकइंटायर को मैंने GTS करा और जब वो उठेगा तब तक मैं चैंपियन बन चुका हूंगा। गंथर मुबारक हो, एंजॉय कर, जब टाइटल तुझसे लूंगा तब हम मजे करेंगे, हम जश्न मनाएंगे। सीएम पंक अपने थीम म्यूजिक पे फैंस के साथ
एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी ड्रू मैकइंटायर आके सीएम पंक पे अटैक करते हैं, बुरी तरह से सीएम पंक में मार देते हैं, अनाउंस टेबल पे डाल के दे पंचेस, वेट बैरेट आके उनको रोकते हैं, ड्रू मैकइंटायर को पीछे ले जाते हैं, तभी ड्रू मैकइंटायर पंक को क्लेमोर देके ढेर करते हैं। अब ड्रू मैकइंटायर सीएम पंक को रिंग में लाते हैं और एक और क्लेमोर देते हैं, ड्रू मैकइंटायर वापस से ब्रेस्टेड उतार लेते हैं और उसे तोड़ देते हैं और पंक के मुंह में डालते हैं और फिर एक क्लेमोर देते हैं। अब ये तो पता है मुझे कि ये फ्यूड एंड नहीं हुई है, ये फ्यूड एंड बैड ब्लड में ही होगी, पहले से सेटल फ्यूड है, पर्सनल है, तो बैड ब्लड में एक और मैच होगा जो शायद फ्यूड एंड करेगा। अब खतरनाक अटैक के बाद ऑफिशियल्स वगैरह आ जाते हैं, एडम पियर्स भी आ जाते हैं, सीएम पंक को स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे, तभी बैक स्टेज ड्रू मैकइंटायर फिर आते हैं, सीएम पंक पे फिर अटैक करते हैं और दे पंचेस उनके फेस पे मारते हैं, पंक के मुंह से लहू आने लग जाता है। आप समझ रहे हो ना ये किसका इशारा है, बैड ब्लड का इशारा है। इसके बाद हमें इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के नंबर वन कंटेंडर मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ड्रैगन ली वर्सेस इलिया ड्रैगनोव के बीच मैच देखा। मैच शुरू हुआ तो दोनों ने डोमिनिक में मार दी, डोमिनिक अब चालाकी करते हुए मैच में एंटर होते हैं, अच्छा एक्शन भी था इन तीनों के बीच। मैच चल ही रहा था तभी कार्लितो ने आके ड्रैगन ली पर अटैक करा, डेमियन प्रीस्ट आके कार्लितो में मार देते हैं और डेमियन प्रीस्ट डोमिनिक को दौड़ा देते हैं। अब रिंग में दो ही बचे थे, एक्शन दिखा इनके बीच, बढ़िया मूव्स दिखे इनके बीच, जिस मैच को इलिया ड्रैगनोव ने जीत लिया, डोमिनिक इस मैच से बाहर ही हो गए। अब हमें डैमेज कंट्रोल वर्सेस अनहोली यूनियन के बीच वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर के लिए मैच देखा, कमेंट्री टेबल पे बियांका और जेड कारगिल भी बैठी दिखाई दी, ठीक ठाक मैच देखा दोनों टीम के बीच में, अच्छा जोर लगाया दोनों टीम ने, एंड में मैच अनहोली यूनियन ने जीत लिया। इस मैच में कायरी सेन ने टॉप रोप से डैब लगाई थी और उनका फेस अनाउंस टेबल पे लगा, उसके बाद उनका फेस देखिए, हालत देखिए फेस की, नोज और आईज की हालत खराब होके रखी है, एक तरह से अनहोली यूनियन को रीमैच मिल गया है। अबे तो डायरेक्ट ही रीमैच दे दो ना, किसी को डायरेक्ट देते हैं, किसी को नाम का रीमैच मैच करा के क्वालिफाई मैच करा के रीमैच देते हैं, वैसे भी अनहोली यूनियन ने अभी रिसेंट में टाइटल हारा है तो रीमैच तो बनता है। अब हमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गंथर दिखाई दिए, गंथर आगे बोलते हैं कि बैशियन बर्लिन WWE हिस्ट्री का सबसे ज्यादा अर्न करने वाला शो बन गया है, आप सभी लोग उस शो को मेन इवेंट करने वाले सुपरस्टार गंथर को देख रहे हैं, मैंने इस बिजनेस के सबसे ग्रेटेस्ट स्टार में से एक रैंडी ऑर्टन को हराया, मैच से पहले मैंने पर्सनल तौर पर रैंडी ऑर्टन को कई बातें बोली थी ताकि वो अपना बेस्ट वर्जन लेकर आए मेरे खिलाफ, अब मैं कह सकता हूं कि मैंने रैंडी ऑर्टन के सबसे खतरनाक वर्जन को हरा दिया है। लास्ट वीक काफी बिजी था मैं, तभी यहां सैमी ज़ेन की एंट्री होती है, वो आके गंथर को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं, वो बताते हैं कि हिस्ट्री में काफी ऐसे सुपरस्टार रहे हैं जो पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हुए फिर वो वर्ल्ड चैंपियन बने, जिसमें से गंथर खुद एक बड़ा नाम है। वहीं सैमी ज़ेन और गंथर के फ्यूड हमें इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के दौरान भी दिखाई दी थी और अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी, समझ नहीं आ रहा है कि WWE के पास गंथर और कॉडी रूड जैसे वर्ल्ड चैंपियन के लिए कोई बड़ा चैलेंजर नहीं है क्या। अब हमें शेमस वर्सेस काइजर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए नंबर वन कंटेंडर मैच दिखा, ये लास्ट मैच था, बेल बजते ही शेमस और काइजर भिड़ जाते हैं, दोनों के बीच फ्यूड जो चल रही है, रिंग के बाहर दोनों लड़ रहे थे तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन ने आके दोनों में टक्कर दी, ब्रॉन स्ट्रोमैन इंजन बैरिकेड में जाके घुस जाते हैं, शेमस और काइजर तो ऐसे भिड़े जैसे सिंगल मैच हो रहा हो, शेमस ब्रॉन स्ट्रोमैन को अब 10 बीट्स मोरान देते हैं, तभी पीट डन आके शेमस पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं, हद हो गई है यार, मतलब शेमस को काइजर के साथ भी फ्यूड में दिखा रहे हैं, पीट डन आके अटैक कर रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा यार, शेमस की तो लगी पड़ी है। खैर रिंग में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने काइजर को रनिंग पावर स्लैम देके मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गए फैटल 4-वे मैच के लिए। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जो कि डेमियन प्रीस्ट जे उसो वर्सेस बैलर कबाम हड्डी जेडी के बीच दिखा, बैल बजी और बैलर टैग जेडी को देके भाग गए, डेमियन प्रीस्ट ने जेडी को एक लात मारी और भाई साहब रोप के बीच में से रिंग के बाहर जाके गिरा कबाम हड्डी। अब बैलर जेडी जे को फंसा के अच्छे से मार देते हैं और कंट्रोल बना लेते हैं मैच में, काफी टाइम जे उसो को इन्होंने फंसाए रखा, अच्छा मैच देखा इनके बीच, जे उसो अब टॉप रोप पे थे तभी मॉर्गन ने आके जे उसो को धक्का दिया, रिहा रिप्ले की एंट्री होती है, वो क्रचेस के साथ आती हैं, मॉर्गन को दौड़ा देती हैं और रिंग में डेमियन प्रीस्ट साउथ ऑफ हेवन देके मैच जीत ले जाते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ, काफी कुछ दिखा आज के शो में। अब ड्रू मैकइंटायर और सीएम पंक की फ्यूड अभी खत्म नहीं हुई है, बेशक सीएम पंक खुद से मान रहे हो ये, और यार बहुत लंबी फ्यूड हो गई है इनके बीच में, अब टाइटल लिमिटेड है WWE के पास, तो WWE को यहां ब्रेसलेट ऑन द लाइन लगा देना चाहिए इनके बीच तो बढ़िया रहेगा। अब पता नहीं ड्रू मैकइंटायर और सीएम पंक के बीच जो अटैक सेगमेंट दिखा वो मेन इवेंट में करा के शो क्लोज करने में मजा ही कुछ और होता, बट नहीं, इन दोनों को मिड सेगमेंट में ही डाला जा रहा है। इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल फैटल 4-वे मैच के लिए ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस जे उसो वर्सेस इलिया ड्रैगनोव वर्सेस पीट डन के बीच मैच ऑफिशियल हो चुका है, नेक्स्ट वीक हमें देखेगा। वीडियो अगर आपने यहां तक देखी है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।